हेलो एवरीवन रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आईएमएफ आई एम एफ हैज़ री एज स्टेबलाइज अरेंजमेंट फ्रॉम फ्लोटिंग मतलब आईएमएफ ने इंडिया के एक्सचेंज रेट रिजाइव को फ्लोटिंग से चेंज करके स्टेबलाइज अरेंजमेंट मतलब फिक्स की तरफ चेंज कर दिया आइए हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में और इससे रिलेटेड पूरे ट्यूज के बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कि एक्सचेंज रेट होता क्या है एक्सचेंज रेट इज़ अ रेट एट विच वन करेंसी विल बी एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी मतलब एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी कितनी मिलेगी वो एक्सचेंज रेट होता है नॉर्मल टर्म में भी अगर हम एक चीज़ को दूसरे के बदले में ट्रेड करते हैं उसे एक्सचेंज कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक डॉलर चाहिए तो उसके लिए हमें आज के रेट में एटी थ्री रुपीज़ देने पड़ेंगे तब जाके हमें एक डॉलर मिलेगा ये एक्सचेंज रेट होता है बिटवीन टू कंट्रीज और इसी के बेसिस पे ट्रेड और मूवमेंट ऑफ गुड्स और मनी होता है बिटवीन द कंट्रीज और ग्लोबल ट्रेड फंक्शन करता है इसके दो पार्ट्स होते हैं मेजरली दो पार्ट्स में वो डिवाइडेड होता है पहला है फिक्स एक्सचेंज रेट और दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फिक्स एक्सचेंज रेट इज सिस्टम इन विच गवर्नमेंट ट्राइज टू पिक द वैल्यू ऑफ इट्स अनदर करेंसी और द प्राइस इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वो अपने करेंसी को रेट को दूसरे की करेंसी से फिक्स कर देती है या फिर रेट ऑफ गोल्ड या प्राइस ऑफ गोल्ड से फिक्स कर देती है इसमें मार्केट डायनामिक्स का कोई रोल नहीं हो दूसरा जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इट इज़ अ सिस्टम इन विच द इंटरप्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द करेंसीज वैल्यू अब मार्केट में ग्लोबल मार्केट में कौन सी करेंसी की ज़्यादा डिमांड है उसके बेसिस पे एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ का डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही वो एक्सचेंज रेट डिटामाइन हो करेंटली जो डॉलर जो है वो हाई वैल्यूड करेंसी है मतलब सारे कंट्रीज़ की डोनोमिनेशन उसके रिस्पेक्ट में डिटामाइन की जाती है क्योंकि ग्लोबल ट्रेड अधिकतर उसी डॉलर्स में ही किए जाते हैं तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है उसके रिस्पेक्ट में दूसरी करेंसी भी इम्फेक्ट होती है जैसे आप अगर कुछ साल पहले देखें तो डॉलर एक डॉलर हमें सेवेंटी सेवेंटी फाइव में मिल जाता था पर अब जो है एटी एटी थ्री और अब क्या पता आगे और इंक्रीज हो तो ये ट्रेजेक्ट्री चलती रहती है इसमें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में दो कॉन्सेप्ट आते हैं अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो करेंट मार्केट रेट है जो करेंट ग्लोबल रेट है एक डॉलर हमें मिल रहा है एटी थ्री रुपीज़ अगर इन फ्यूचर एट डॉलर एटी फाइव का हमें मिलता है तो इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि डॉलर जो है और स्ट्रांग हो रहा है और इंडियन रुपीज जो है वो वीक हो रहा है तो इसमें क्या है हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिसिएशन की तरफ जा रही है डेप्रीशिएट हो रही है उसी के रिस्पेक्ट पे अगर हम देखें कि रुपये अभी अभी एक डॉलर जो एटी थ्री में मिल रहा है वो फ्यूचर में एक डॉलर अगर एटी का मिलने लगे तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि डॉलर जो है वो वीक हो रहा है और हमारी जो कंट्री है वो एप्रिशिएट हो रही है स्ट्रॉन्ग बन रही है तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है जो आप लोगों को पता होने चाहिए अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट न्यूज़ में क्या था रिसेंटली क्या है हर साल आईएमएफ अपने आर्टिकल फोर्टी के अंडर फोर्टीन के अंडर रिव्यू करता है कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ में इसमें वो देखता है कि कंट्रीज़ की मॉनेटरी पॉलिसी या फंडामेंटल इकोनॉमिक फंडामेंटल जो है वो कैसे चल रहे हैं इसी चीज़ को स्टडी करते हुए उन्होंने क्या किया इंडिया के दिसंबर से अक्टूबर के एक्सचेंज रेट डेटा को देखा कि इंडिया में एक्सचेंज रेट कैसे शिफ्ट हो रहा है तो उन्होंने देखा कि जो एक्सचेंज रेट है वो सिर्फ एक रुपये के से चेंज हुआ है दिसंबर में अगर हम करेंट भी देखें तो एटी टू था और दिसंबर में जो तो डॉलर का जो रेट है वो एटी थ्री पॉइंट टू फाइव है तो इस बेसिस पे IMF ने ये कहा कि इंडिया ने हाईली एक्सीड किया है नेसेसरी लेवल्स ऑफ इंटरवेंशन मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ है जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुई हैं वहीं हम अगर कंपेयर करेंगे वर्ल्ड की दूसरी कंट्री से वहाँ पे क्या है ग्लोबल और वजह से काफी एक्सचेंज रेट में देखने को मिले, उतार चढ़ाव देखने को मिला है जो कि की जो एक्सचेंज रेट रिजाइम है उसको आ, फ्लोटिंग अरेंजमेंट की तरफ शिफ्ट कर दिया गया आई एम एफ मानती है कि कंट्रीज को इंटरवीन नहीं करना चाहिए एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करना करने में वो मार्केट डायनमिक्स पे छोड़ देना चाहिए तभी हमारा फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होगा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी और अगर गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन करती भी हैं तो वो सिर्फ सडन वोलेटालिटी मतलब अनसर्टेन सीनरीज़ को इकोनॉमिक को स्टेबल बनाए रखने के लिए ही करना चाहिए तो इस बेसिस पे आई ने इस डेटा को सिर्फ ये दिसंबर से अक्टूबर तक के डेटा को उन्होंने मॉनिटर किया और उस बेसिस पे उन्होंने कह दिया कि इंडिया ने इंटरवेंशन किया इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि आर ने इंटरवेंशन किया है अब इस चीज़ को देखते हुए ये न्यूज़ जैसे अगर आईएमएफ है जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अगर वह कोई भी डेटा या रिपोर्ट रिलीज करती है तो ऑल ओवर न्यूज़ बनती है जिससे इन्वेस्टर्स भी पढ़ते हैं इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स में भी चेंजेस होते हैं इस चीज़ को काउंट्रैक्ट करते हुए आर के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपना रिप्लाई दिया कि जो ये आ... आईएमएफ ने अपना जो रिव्यू दिया है अपना आईएमएफ एम एफ रिव्यू निकाला है वो गलत है अनजस्टिफाइड है वो किस बेसिस पे कहा उन्होंने कि सबसे पहली चीज कि जो आईएमएफ ने जो डेटा लिया है बहुत शॉर्ट पीरियड का लिया मतलब छह से आठ मंथ का डेटा लिया है अगर हम लॉन्ग टर्म पे देखें जो कि यूजली इकोनॉमी में होना चाहिए चार से पांच साल का डेटा लेके तभी कोई एनालिसिस निकालना चाहिए कि दो में जो हमारा डॉलर का रेट चलता था सेवेंटी चलता था और वही 2023 में वो वन डॉलर बन के गया 82 83 के अराउंड आजकल चल रहा है तो अगर हम देखेंगे देखेंगे भी 2019 से 2023 तक की देखेंगे, तो उसमें क्या है जो वो सही नहीं है दूसरा पॉइंट जो आरबीआई ने कहा कि इंडिया कम्प्लाइंस विद एस डी डी एस मतलब स्पेशल दल डेसिमिनेशन स्टैंडर्ड्स को इंडिया फॉलो करता है अगर इंटरवेंशन करता है तो उससे रिलेटेड सारे जो डेटाज हैं जो सारी एक्टिविटीज़ हैं इंटरवेंशन है उसके सारे डेटा आई एम एफ तक जाते हैं और वो प्योरली ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड होते हैं कुछ भी हिडन नहीं होता फॉरक्स फॉरेक्स इंटरवेंशन मतलब इस चीज़ को मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लीजिए डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गई है तो आर बी आई क्या करेगा वो अपने रिजर्व से उन डॉलर्स को मार्केट में रिलीज कर देगा ताकि जो डिमांड जो है जो एक्सेस डिमांड है उसको कंट्रोल कर लिया जाए इससे क्या है स्टेबिलिटी बनी रहती है बहुत ही ज्यादा वॉलिटैलिटी नहीं आती तो ये हो गया फॉरेक्स इंटरवेंशन नेक्स्ट जो बात उन्होंने की थी तीसरा पॉइंट स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इंडिया का जो करंट सिनारो चल रहा है उसमें जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है काफी स्ट्रॉग उभर के आ रहे हैं जैसे कि हम देखेंगे करंट अकाउंट अकाउंटिशियट में इंप्रूवमेंट हो रहा है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं काफी कंट्रीज से हमारे ट्रेड इंप्रूव हो रहे हैं ऑल बहुत ज्यादा ही नहीं पर इंप्रूव हो रहे हैं वो पॉजिटिव प्रोजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं और फिर रिवाइवल ऑफ़ कैपिटल इनफ्लोस इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हमारी तरफ बढ़ रहा है फॉरेन रिजर्व्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं जैसे कि अभी आप रिसेंट दिसंबर में अगर डेटा देखो तो सिक्स हंड्रेड प्लस बिलियन हमारा यूएस डॉलर फॉरिक्स रिजर्व चल रहा है चौथा तो पॉइंट जो आर गवर्नर ने कहा कि इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट जो चल रहा है अगर हम रिसेंट डेटा को देखें क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी में जो जी का ग्रोथ रेट था वो सेवन था और वही क्वार्टर टू में फाइनेंशियल ईयर ऑफ ट्वेंटी में ये सेवन हो गया तो ये पॉजिटिव है जहाँ बाकी कंट्रीज और वर्ल्ड मीडिया ने और बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन ने बिलो सेवन परसेंट का दावा किया था वहीं पे इंडिया ने काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट दिए हैं जीडीपी ग्रोथ रेट में सेवन पॉइंट एट और सेवन सिक्स परसेंट इन बेसिस पे आरबीआई ने इन सब बेसिस पे आरबीआई ने कहा कि आईएमएफ ने जो हमें फ्लोटिंग से हटाकर फिक्स की तरफ स्टेबलाइज अरेंजमेंट कहा है वो सही नहीं है इसके साथ साथ आर बी गवर्नर ने एक और बात कही कि इमर्जिंग जो कंट्रीज होती हैं जैसे हमारी कंट्री इंडिया है डेवलपिंग नेशन है उसमें क्या है जो अगर डेवलप्ड कंट्री कोई पॉलिसीज़ बनाती है या कोई चेंजेस करती हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है हमारे ऊपर फॉर एक एग्जाम्पल लेते हैं अगर गवर्नमेंट बॉर्ड इशू करता है यू या फिर उनके रेट्स हाई करता है तो इन्वेस्टर्स क्या आते हैं हमारे यहाँ से इमर्जिंग इकोनॉमी से पैसा लेके यूएस मार्केट में उसको इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उन्हें बेटर इंटरेस्ट रेट पे बेटर एडवांटेजेस मिलते हैं बेटर रिटर्न्स मिलते हैं तो इस सिचुएशन वो हमारे लिए सही नहीं होता ऐसे सिचुएशंस को भी डील करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को या फिर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स की गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक्स को इंटरवेंशन करने पड़ते हैं पूरी चीज़ें हमें ब्लैक एंड वाइट में नहीं देना देखना चाहिए कंट्रीज़ को अपनी पर्स्पेक्टिव से भी इकोनॉमिक सीनैरियो को जज करते हुए एक्शंस लेने पड़ते हैं ये कहना था हमारे गवर्नर का तो होपफुली आपको ये कंटेक्ट समझ में आ गया होगा न्यूज समझ में आ गई होगी अब हम बेसिक्स पे जाते हैं कि आर के बारे में थोड़े एक दो बेसिक समझ लेते हैं कि आर बी आई इसलटी में इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट 1934 एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग ही आर बी आई हुआ आर बी आई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसे नेशनलाइज किया गया था 1949 में जिसके बाद से वो फुली ओन्ड बाय बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अगर हम मेजर फंक्शंस की बात करें आर करता क्या है इशू ऑफ बैंक नोट्स स्टेबिलिटी ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम और साथ साथ में मॉलिट्री पॉलिसी फ्रेमवर्क देखता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा ना बढ़े एक परफेक्ट गाइडलाइन है जो टू फोर टू सिक्स परसेंट प्लस माइनस टू के रेंज में वो चलता रहता है जैसे टू टू सिक्स परसेंट के रेंज में इन्फ्लेशन मेंटेन करना ये आर की जिम्मेदारी है होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा सारे कंटेक्ट क्लियर हो गए होंगे थैंक यू हैव अ गुड डे